देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो ने LGBTQ+ कम्युनिटी को बढ़ावा देने के बड़े प्रयासों के तहत जल्द ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए जेंडर न्यूट्रल MX का ऑप्शन पेश करने का प्लान बनाया है। यानी ये कि इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि जिसने टिकट बुक किया है वो स्त्री है या पुरुष। इतना ही नहीं, इसके अलावा देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का लक्ष्य अपने यहाँ अपॉइंटेड डिसेबल्ड लोगों की संख्या को दोगुना करना है, जिसके लिए इंडिगो के 60 से ज्यादा शहरों में 240 से ज्यादा विकलांग लोग ग्राहकों से जुड़े रोल में पहले से ही काम कर रहे हैं। विकलांग लोगों की नियुक्ति कई फैक्टर्स के आधार पर तय की जाती है, जिसमें सेफ्टी, हाउसिंग नीड्स और स्किल मैपिंग शामिल है। वहीं आपको बता दें कि MX ऑप्शन से ट्रांसजेंडर को ये विकल्प मिलेगा जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं। फिलहाल बुकिंग प्रक्रिया के दौरान एयरलाइंस की वेबसाइट पर पुरुष और महिला विकल्प उपलब्ध है, जो अब जल्द अपडेट हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब ये ऑप्शन किसी एयरलाइन ने शुरू किया हो। इनसे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा पहले से ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए MX ऑप्शन देते आ रहे हैं। देखिए, भारत में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने वाले इस कदम से विकास होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ LGBTQ+ व्यक्तियों की लगातार वर्क प्लेस में भर्ती भी हो रही है और ये एयरलाइन में उड़ान सहित विभिन्न कार्यों में काम भी कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।